G21E के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। पाकिस्तान में इसकी प्राइस है तकरीबन 45,000 के लगभग, ऑफिशियल प्राइस 46,000 है और ये 2-3,000 नीचे मिल जाता है। ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है और प्लास्टिक बॉडी में है, लेकिन स्क्रैच वगैरह तो बहुत कम पड़ते हैं। काफ़ी दिनों से यूज किया मैंने। इसका बैक कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल है मेन, और साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा है, और बैक प्लास्टिक में है और काफ़ी अच्छी लुक देती है। इसके अलावा इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ है। 8GB रैम है इसकी और 128GB रोम है। नीचे एक स्पीकर है, USB टाइप सी केबल और हेडफोन जैक इसमें है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसका जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। सुपर अमोल्ड 1080 डिस्प्ले है इसका, और नॉच जो है वो थोड़ी पुराने ज़माने की लगती है। बहुत ही पतला फ़ोन है ये, 7.4 मिलीमीटर थिक है और इसका वेट 171 ग्राम है। फ्रंट में इसका सबसे अच्छी जो चीज़ है वो कैमरा है, जो कि 44 मेगापिक्सल कैमरा है, काफ़ी अच्छी फोटो प्रोड्यूस करता है। 8GB रैम के साथ इन्होंने 3GB रैम जब ज़रूरत हो तो यूज़ कर लेता है इंटरनली, ये भी एक अच्छा फीचर दिया है। और काफ़ी तेज फ़ोन है, 60Hz है इसका, जो कि इस प्राइस रेंज में थोड़ा माइनस बात है। बाकी डुअल सिम है और थर्ड माइक्रो एसडी कार्ड भी डलता है इसमें। बाकी काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें जो कि इससे इस्तेमाल करने से बेहतर महसूस। टच बहुत अच्छा है फोन का, एड्रीनो 618 GPU है इसका, और बैटरी 4000 mAh है। 4000 mAh बैटरी के साथ ये 33W फास्ट चार्जर के साथ आता है, और 33W फास्ट चार्जर की सपोर्ट भी करता है। बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है क्योंकि बैटरी छोटी है इसकी, आराम से एक दिन तो निकाल ही देता है अगर आप गेमर वगैरह नहीं।